दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में तनाव, एक शख्स गोली मारे जाने के बाद हंगामा। सामने आया हमले का सीसीटीवी वीडियो, हमले में बुरी तरह जख्मी हुए रूपेश। घटना के विरोध में लोगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस की जिप्सी सहित कई गाड़ियों में तोड़फोड़। भीड़ ने दो बाइक्स पर लगाई आग, लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने की कई राउंड्स फायरिंग। लोगों के मुताबिक रूपेश और उनके भाई नशे के कारोबारियों के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, बदला लेने के लिए हमला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दिला देने वाला सीसीटीवी वीडियो, एक दुकान में एक दर्जन लोगों का हमला। लोहे की रॉड और लाठियों से लैस थे लोग, हमले में 5 लोग घायल, पुराने लेन देन का मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा, शिवसेना के कार्यकर्ता शिकायत लेकर पहुंचे थाने। पीड़ित के मुताबिक बेहोशी की दवा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन, आरोपी की दलील मुस्लिम लड़की से रिश्ते की वजह से उसने खुद ही बदल लिया था धर्म। यूपी के बस्ती में कोर्ट मैरिज के दौरान हंगामा, दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई। लखनऊ में विवेक तिवारी शूटआउट केस की एसआईटी जांच शुरू, पुलिस ने दर्ज की नई एफआईआर। प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार का नाम, आरोपी के तौर पर दोनों पुलिस वालों का नाम दर्ज। एसआईटी विवेक कुमार की सहयोगी से भी करेगी पूछताछ, पूरी घटना की है चश्मदीद। एसआई टीम की अगुवाई कर रहे हैं आईजी सुजीत पांडे, मौका वारदात का किया मुआयना। लखनऊ एडीजी राजीव कृष्णा गए विवेक तिवारी के घर, परिवार के लोगों का दर्ज कराया बयान। विवेक तिवारी को मिलेगा 24 घंटे की सुरक्षा, यूपी पुलिस ने दिया आश्वासन। जरूरत पड़ने पर हो सकती है मामले की सीबीआई जांच, एडीजी बोले ऐसी घटना अब दोबारा नहीं होगी। आज विवेक तिवारी के घर जाएंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने परिवार से कराई थी फोन पर बात। कल्पना तिवारी ने सीएम योगी को भेजी चिट्ठी, 1 करोड़ मुआवजे की मांग, सीबीआई जांच और पुलिस में नौकरी की भी मांग। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परिवार से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। सामने आया विवेक तिवारी का एक वीडियो, परिवार के साथ हंसी खुशी के लम्हे। विवेक तिवारी के घर के बाहर का भी एक वीडियो, दफ्तर के लिए गाड़ी से निकल रहे हैं बाहर। शूटआउट पर योगी सरकार के मंत्री और दो विधायकों ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कानून मंत्री ने कहा कुछ सीनियर इंस्पेक्टर ध्यान भटकाने की कर रहे थे कोशिश। हरदोई में बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने कहा घटना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन नजर आया। बलिया से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने सीएम को लिखी है चिट्ठी, लखनऊ के डीएम और एसएसपी को तुरंत किया जाए सस्पेंड। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या पर आम लोगों का विरोध, लोगों ने गाड़ियों पर लगाए पोस्टर। अजमेर में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह रावत और साथियों की दबंग गई शराब की दुकान पर हंगामा। पुलिस के मुताबिक 2000 के नोट का खुला मांगने पर भड़के बीजेपी नेता, दुकान में आकर सेल्समैन और उसके भाई को बुरी तरह से पीटा। झारखंड के रामगढ़ में अस्पताल के अंदर बवाल, इलाज में देरी से 2 लोगों की मौत। बिजली नहीं होने की वजह से नहीं हो सका इलाज, मरीज के रिश्तेदारों का भड़का गुस्सा। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण के लिए संतों का आमरण अनशन, तपस्वी छावनी के महंत राम परमहंस ने किया ऐलान। अशोक के पेड़ के नीचे स्वामी राम परमहंस दास का अनशन, कहा सभी मुसलमान चाहते हैं राम मंदिर बन जाए। एक दिन पहले साधु संतों ने किया था शिला पूजन, निर्माण शुरू होने तक जारी रहेगा आंदोलन। साधु संतों ने कहा हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर बीजेपी की सौंपी है सत्ता, अभी तक बीजेपी कुछ करती नजर नहीं आ रही। गोवंश की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में बनेगा गौ मंत्रालय, सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। एससी एसटी एक्ट को लेकर विरोध जारी, दिल्ली में भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन। बिहार के सासाराम में बीजेपी के युवा संकल्प सम्मेलन में घिरे मनोज तिवारी, एससी एसटी एक्ट पर सवर्ण समाज ने दिखाए काले झंडे। काला झंडा दिखा रहे लोगों की पुलिस ने की पिटाई, मनोज तिवारी ने कहा काला झंडा दिखाने वाले नहीं चाहते कानून का राज। दिल्ली के शाहदरा में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हिंदू संगठन की ललकार सभा, मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की मांग। बिहार के मोतिहारी में एससी एसटी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का प्रदर्शन, नदी में दीपदान कर जताया विरोध। पूर्वी दिल्ली में बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश, डॉलर का लालच देकर ओला कैब ड्राइवरों से ठगी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में लैपटॉप चोरों का आतंक, वारदात सीसीटीवी में कैद।
ग्वालियर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के प्रोग्राम में हंगामा, कई महिलाएं जख्मी। कर्नाटक के बेलगावी में सीआईएसएफ की फायरिंग रेंज में धमाका, जानवरों को चलाने गए 5 लोग घायल। अमृतसर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी पहुंचे शिक्षा मंत्री के घर, बच्चों के साथ दिया धरना। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर पराक्रम दिवस के दूसरे दिन ही पाकिस्तान का दुस्साहस, भारतीय सीमा में घुसे हेलीकॉप्टर। पुंछ सेक्टर में दिन के 12:10 पर भारतीय वायुसेना में घुसा था पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में मौजूद थे पीओके के पीएम फारूक हैदर, वायु सीमा का उल्लंघन करने के बाद काटा में उतरा हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान की हरकत पर बोली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा अगर पाक की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम भी जवाब दे रहे हैं। बाल बाल बचे, जेट एयरवेज के 104 मुसाफिर इंजन फेल होने के बाद इंदौर में विमान ने की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के बुरादनगर पहुंची भारतीय किसान क्रांति यात्रा, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे दिल्ली। मुरादनगर के हंस कॉलेज में रात्रि विश्राम, 23 सितंबर को हरिद्वार से शुरू हुई थी किसानों की यात्रा। किसान क्रांति यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं बीकेयू के राकेश टिकैत, किसानों की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करने की मांग। पंजाब के संगरूर से भी दिल्ली का किसान कूच, धुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर सवार हुए किसान। ट्रेन पर बैठने से पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, दिल्ली में श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब पर इकट्ठा होंगे पंजाब से आने वाले सारे किसान। सीलिंग के खिलाफ दिल्ली के बवाना में कांग्रेस की ललकार रैली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर किया हमला। कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ का सालाना सभा में चले जूते चप्पल, हंगामे के बीच दूसरे राज्यों तक गोकुल के विस्तार का प्रस्ताव पास। भीलवाड़ा में वसुंधरा सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन चौराहे से निकली शव यात्रा। विवादों में फंसे बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव, कटिहार के सालमारी में सियासी व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक टोपी पहनने से किया इनकार। कृष्णा जिले के रविकार्ला गांव में एनटीआर की प्रतिमा का अनावरण, एनटीआर के पोते तेलुगु सुपरस्टार नंदमूरी तारक रत्ना ने किया अनावरण। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा बीच पर हादसा, 5 दोस्त समंदर में डूबे, 3 का रेस्क्यू। बीच पर तैराकी करने गए थे 5 दोस्त, डूबने वाले 2 दोस्तों में से 1 का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर चला बड़ा हादसा, अप लाइन पर फंसी मिली लावारिस ट्रैक्टर ट्रॉली। मालगाड़ी के ड्राइवर ने स्थानीय रेलवे प्रशासन को दी सूचना, 1 घंटे तक यातायात प्रभावित। कानपुर टीवी का मशहूर क्राइम सीरियल का कलाकार अनुभव जायसवाल, एक तरफा प्रेम कहानी थी वजह। दिल्ली के जनकपुरी में पकड़ा गया एक धर्मगुरु, महिला के साथ रेप का आरोपी। झारखंड के रामगढ़ का एक वीडियो वायरल, 2 समुदाय का प्रेमी जोड़ा, शादी के बाद सुरक्षा के लिए सीएम और पीएम से गुहार। बिहार के आरा में हथियारों का जखीरा जब्त, तस्करी में शामिल 5 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के नोलान में तहसीलदार के दफ्तर में आग, सभी अहम दस्तावेज खाक। बिहार के कटिहार में स्कूल जाने के दौरान छेड़खानी से परेशान छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के गया में बेकाबू पिकअप वैन ने 2 मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, 4 की मौत। कानपुर में आईजी की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी, 1 गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में एसडीएम ललित कुमार ने की खुदकुशी, परिवार के मुताबिक ट्रांसफर होने से भी परेशान। यूपी के संभल में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पर छापा, 7 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में स्थानीय शिवसेना नेता ने हॉकी से ढाबे के वेटर को पीटा, खाना लाने में देरी पर भड़का गुस्सा। यूपी के शाहजहांपुर में शहीदों और उनके परिवार के सम्मान के लिए सिख समाज की पहल, 12 जिलों के सिख समुदाय शामिल। दिल्ली के रिंग रोड पर सीवेज प्लांट में छटाई के नाम पर काटे गए 25 से 30 पेड़, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। चिकमंगलूर में सड़क किनारे पकड़ा गया 15 फीट का कोबरा, लोगों में थी दहशत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का पहला मक्का महोत्सव शुरू, मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा का पहला स्थान। उड़ीसा के मयूरभंज में सड़कों की खराब हालत से गांव तक एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल, गर्भवती महिला को खाट पर ले जाया गया अस्पताल।
आज से महंगी हो गई रसोई गैस की कीमत, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 59 रुपए महंगा। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 2.89 रुपए बढ़ी, एक सिलेंडर की कीमत 502.40 रुपए। दिल्ली और पड़ोसी शहरों में आज से सीएनजी महंगी, दिल्ली में सीएनजी की कीमत पे 1.70 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में महंगी सीएनजी, 1.95 रुपए प्रति किलो महंगी। विमान ईंधन की कीमत भी आसमान पर, घरेलू उड़ानों के ईंधन में 2650 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी। एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी से आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे रोहित शर्मा, 2 पायदान की लगाई छलांग। 802 अंकों के साथ शिखर धवन ने भी लगाई 4 पायदान की छलांग, 5वें पायदान पर पहुंचे। आईसीसी वनडे बैट्समैन की रैंकिंग में कप्तान कोहली नंबर 1 पर बरकरार, 884 अंकों के साथ टॉप पर। गेंदबाजों की टॉप 5 रैंकिंग में भारत के बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल, करियर के सर्वश्रेष्ठ 3रे पायदान पर। राष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, जबकि टॉप पर है भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। अफगानिस्तान के राशिद खान ने ऑलराउंडर की रैंकिंग बांग्लादेश के शाकिब उल हसन को धकेला, टॉप पर पहुंचे। नो बॉल की ट्रैफिक कैंपेन पर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने राजस्थान पुलिस को दिया करारा जवाब, कुछ लोगों को साइन बोर्ड पर क्रिएटिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच नहीं खेलने वाले करुण नायर ने तोड़ी चुप्पी, जब भी मिलेगा मौका बल्ले से दूंगा जवाब। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला इंदौर वनडे पर मंडरा रहा है खतरा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का आरोप, बीसीसीआई ने ज्यादा मुफ्त पास मांगे। भारत दौरे पर है मशहूर मुक्केबाज माइक टायसन, आगरा आकर देखा ताजमहल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोतो ने सुनामी से तबाह इलाकों का किया दौरा, ड्रोन की तस्वीरें, गत्ते की तरह गिरे मकान। मलबे के ढेर में तब्दील हो गया पालू शहर, कई जगह पर फट गई सड़कें। जापान के ओसाका में चक्रवाती तूफान त्रामी की एंट्री, एहतियात के तौर पर ट्रेन और हवाई सेवाएं बंद। चीन के जियांजी प्रांत में पलभर में नष्ट हो गया 5000 फीट का पुल, गान नदी पर बना था 23 साल पुराना पुल। जिम्बाब्वे में हाथी के बच्चों के लिए शानदार पार्क, मां से बिछड़े बच्चों को बचाने की पहल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।